मैं चाहूँगी अपनी कहानी अपनी जुबान से। माइक माइक पकड़ लीजिए जी। मेरी शादी को 5 साल हो गए और मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, एक निजी कंपनी में काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल उनकी इतनी इनकम नहीं है कि हम अच्छी फैमिली की तरह रह सकें। आप साथ में? क्योंकि मैं साथ जॉब करती हूँ और मेरा 5 साल का एक बेटा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी रहती हूँ क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, बट मेरी सास को मुझसे एनी टाइम शिकायत रहती है कि भाई तुम तो बाहर निकल जाती हो, पूरा दिन जॉब करती हो, रात को आती हो, इवन मैं शाम में जैसे ही आती हूँ मेरे अपने जो हिस्से के काम है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, एक मैं घर भी देखना है मुझे, बाहर भी देखना है, बट उनको मुझसे यही शिकायत रहती है कि बस तुम जैसे ही बाहर चली जाती हो, आती हो तो तुम लेट हो जाती हो। तो मैं अम्मी को यही कहती हूँ कि अम्मी आप मुझे अंडरस्टैंड तो करें कि मैं बाहर से भी थक के आती हूँ, अपने सारे काम कर रही हूँ, अपनी बारी का खाना भी बनाती हूँ, बनाती हूँ, अच्छा, ऑब्वियसली बच्चे को भी देखती हूँ, हस्बैंड को भी देखती हूँ, बाहर जॉब पे भी जाती हूँ, आने जाने का भी टाइम जो होता है वो भी, लेकिन जितना भी अपने ससुराल वालों के साथ कर लो उनको मुझसे शिकायत ही रहती है। और जो आप ऐसा कमाती हैं वो आप घर में देती हैं? घर में अपनी सपोर्ट करती हूँ, अपने हस्बैंड की, घर की ग्रोसरी में उनकी हेल्प करती हूँ, बच्चों का फ्यूचर है, अपने भी एक्सपेंस हैं, क्योंकि लेकिन हमारे जो ससुराल में मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सास हैं, दो नंदे हैं, मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं, बस उनको मुझसे यही शिकायत रहती है। उनमें से कोई और घर की खातून जॉब करती है? नहीं, और कोई जॉब नहीं करती, सिर्फ एक मैं ही जॉब करती हूँ। सिर्फ एक आप जॉब करती हैं अपने मियां के साथ जी, और वो हाथ बटाने के लिए, हाथ बटाने के लिए लताब में, हाँ, क्योंकि मैं अगर मैं नहीं करूँगी तो मतलब हम किस तरह अपने घर चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बच्चे की आगे फीसें भी हैं, अच्छा हमें पढ़ाना भी, उसका फ्यूचर है, फिर अपने घर के एक्सपेंस भी हैं, सभी कुछ देखना है। तो दौर भी ऐसा है कि आप ये ज्यादा थी है कि एक ही घर का बंदा कमाए और आप उसी की तरफ देखें, अब हर एक को अपना किरदार अदा करना है। ये मुझे बताएं, ये जो हम अक्सर आजकल के लड़के भी ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी लड़की कमाने वाली हो ताकि जो मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ अपने घर पे लगा दूँ, जो लड़की कमा रही है फिर वो अपने ऊपर लगा लें, एक तो ये पोच भी है, बट स्टिल आप उस लड़की से जो कि आप जैसा ही किरदार अदा कर रही हैं, आप उसे एक्सपेक्ट करें कि वो कमा के भी लेकर आएगी और फिर वो घर की भी घर के काम की। हाँ, लड़के से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो कमा कर आए तो वो थक कर आया है, ये कमा कर आई है तो ऐसा लगता है कि ये कोई पिकनिक से वापस आई है। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये कोई थकी नहीं है, कोई काम ही नहीं, इसने कुछ नहीं किया, रोबोट है ना, मतलब ये तो आउटिंग के लिए बाहर गई थी तो वापस आई है। बस खराब हो नहीं हो, काम करना है लेकिन उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करना है, ये माइंडसेट है, माइंडसेट है, इसको बदलना चाहिए और इसी तरह ही बदलेगा। आप जैसे शोस करती हैं उसी तरह बदलेगा जिस तरह लोग खुल के बोलते हैं। हमारे अभी भी मसला है कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा खुल के बात ही नहीं करना चाहते, हमारे अपने घर में से बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, लोगों को लगता है हमारी बड़ी गुड़ी गुड़ी लाइफ है, बड़े मज़ेदार, ये तो शोबिज़ के लोग हैं, इनकी लाइफ, आप यकीन माने ऐसा कुछ नहीं है, जो दिख रहा होता वो वैसा नहीं हो रहा होता। तो ये जो अगर अभी आपके साथ सिचुएशन गुजर रही है, अब जैसे मैं काम करती थी, मेरे मियाँ ने कहा काम नहीं करना, अरे मेरे अंदर टैलेंट था, पसंद तुमने मुझे एज ए सादिया इमाम किया था, क्यों मुझे रोक दिया, बस नहीं करना, एक अपनी आना थी नहीं करना। तो ये भी बड़ा अलग होता है, ये भी बड़े लोग हैं कि एक अच्छी कंपनी को हेड कर रही है लड़की, ये एक अच्छी, यार डॉक्टर्स लड़कियां मैंने जिनके माँ बाप ने इतने मुश्किलों से उनको पढ़ाया है, जॉब नहीं करेगी। मुझे बताएं, एक पढ़ी लिखी एम्पावर्ड लड़की जो अच्छा कमाती है वो क्या इंटिमिडेट करती है? कुछ नहीं, लोग उसे समझदार होती है, बस वो समझदार होती है, हमसे ज्यादा समझदार होती है, बस थोड़ा सुपीरियर वो हो जाता है मामला। हाँ, कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं, ये सब कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ये अगर जॉब करती है घर में और कोई जॉब करता नहीं है, मतलब खवातीन में कोई काम नहीं करता, तो वो एक वो भी है कि अच्छा इनका ये अपना पैसा ला रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स कल को उठ के हमें बोल ना दे कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है। और कभी कभी लड़का कम कमा रहा है, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी अच्छी जॉब है, तो वो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्सेस, वहाँ पे मियाँ को भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। मियाँ की ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो घर के बंदों का यानी कि ससुर का और घर की सासों का, जो बड़ी घर की खवातीन है, उनका क्या किरदार है उस पर बात भी करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, आजकल ना थोड़ी तरीका वारदात थोड़े बहुत मुख्तलिफ भी हो गए हैं, बहुत सारी हम कहते हैं कि जी घरों में लड़ाइयाँ तो नहीं होती, आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं होते, लेकिन होता ये कि जो बहू आई है नहीं, वो कमरे के दरवाजे ही नहीं खुलती,
वो सारा दिन उनके कमरे के दरवाजे बंद रहेंगे, घर का कोई गेस्ट आ जाए, खाला सास आ जाए, और आपको पता है खाला सास कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ऑफ कोर्स मेरे सास उसकी बहन है, वो कहती है मेरी बहन आई है उसको मिलने के लिए, आप उसको भी सोचो ना कि वो कहती है मेरी बहन है, ये भी तुम्हारी सास है, आके तुम उसको प्यार दो, इज्जत दो, उसकी रिस्पेक्ट दो, आपने दरवाजा नहीं खोलना, वो कहती है मेरी बहन थोड़ी आई है, आपकी बहन आई है, आपके गेस्ट है ना। फिर वो लड़कियों को सर दर्द की, आजकल की पता नहीं ये क्या खुराकें कौन सी खा रही हैं, ये बात मुझे है माइग्रेन की, मुझे मेरे सर में दर्द है, वो दरवाजा सारा दिन नहीं खुलता, घर में गेस्ट आए, वो जो बूढ़े आपके सास ससुर, आप ये भी तो सोचे ना कि वो भी अकेले हैं ना, नहीं बड़ा एंबैरेस फील करते हैं। हाँ, तो ये तो इसमें मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं कि जो इन लॉस का किरदार, जो सासों का स्पेसिफिकली किरदार कैसा होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा आता है तो उसको कैसे पढ़े लिखे तरीके से डील किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है, और फिर आपकी फैमिली, आप जुड़ी हुई हैं उस तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ, चाहे वो खाला हो, पुप्पो हो, मामू हो, चचा हो, तो सबको आपको इक्वली डील करना होता है। दरवाजा बंद करके तो फिर बात नहीं बनती ना, फिर आप शिकायत ना करें कि सास नाराज हो गई दरवाजा बंद करके, तो आपको सबके साथ मिल बैठना चाहिए, सबकी, सब बड़े हैं, सबकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात आती है कि आजकल ऐसा नहीं है। परवीन अब माओं को कितना है इस बात पे, क्योंकि आप खुद भी सास हैं, अपने आप को भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना चाहिए कि हाँ भाई अब मेरी बेटे की लाइफ पार्टनर आ रही है, तो जितनी मुझे मेरे बेटे से मोहब्बत है ये भी वैसे उससे मोहब्बत करेगी, तो अब दो लोग उसकी ज़िंदगी में होंगे जिससे उतनी ही मोहब्बत कर रहे हैं, और मुझे शेयर करना ही करना है अपने बेटे को से, बिल्कुल एक डिफरेंट कैपेसिटी में शेयर करना होता है। नहीं बिल्कुल शेयर करते हैं, और आपकी औलाद आपको यकीन बहुत प्यारी होती है, यकीनन, और मुझे भी रिलेटेड सारे इश्यूज, मुझे तो वो फर्क नहीं लगता कि ये बेटा है या बेटी है, इक्वली होता है बच्चों के लिए, तो यही कोशिश यही होती है कि अपने तौर पे कोई ऐसा कुछ ना हो कि जिससे बेटा हर्ट हो या उसकी बीवी हर्ट हो। तो मैं मतलब मेरे बच्चे साथ ही रहते हैं, मेरे दो बेटे तो साथ ही रहते हैं, उनकी बीवियां हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह ऐसे फ्रेंड्स, हाँ ये इसी तरह जैसे अभी बात कर रही हैं ऐसी बात कर रही होती हैं। स्पेस से ना, स्पेस से ना, मुझे बताएं दोनों एंड से कि स्पेस से ना कितना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे स्पेस देना चाहिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, कनेक्टेड रहना चाहिए, रिश्ते कनेक्टेड होते हैं तो फिर आगे परवान चढ़ते हैं। ये थोड़ी देर नहीं बैठते ना बच्चे ज्यादा, जो बात की अभी, थोड़ी देर तो बैठे, थोड़ी देर बैठे, आए मिले, ये खाला सास हैं, वो पिसा, चले मैं आपके लिए चाय वाय लाते हैं, अपने काम करें। वो जाहिर है वो बातें करनी अपने बहन से आई है, अपनी लगे इनको खुशी खुशी हुए बस, इतना तो हम लोग सब चाहेंगे, बस इतना, मतलब सब बहुओं से, सब लोगों से जो भी हैं लोग, इतना तो स्पेस होनी चाहिए, बस इतनी दें, फिर वो अपनी दुनिया, ताकि उन्हें भी ना लगे, तो कनेक्टेड रहना। और इसमें बड़ा हाथ एक शौहर का भी है, देखिए कि जब वो खुद निकल कर आएगा ना अपनी खाला को रिस्पेक्ट देने के लिए, और वो अगली को निकालेगा कि आप भी आएं, निकाले ना, खुद निकल कर जब आएगा ना तो उस फिर अगले को पता चलता है कि यार ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तब उसका मुंह भी बनता है, बेसिक मैनरिज्म का पार्ट है, मैनरिज्म भी आता है। अगेन ये वाली बात जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में की थी, तरबियत शादी से पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आपने वो तरबियत नहीं दी है, और अगर तरबियत ससुराल वालों ने करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये शौहर को बड़े प्यार से चीजों को लेके चलना पड़ता है, कि वो निकल रहा है, यार आओ थोड़ी देर बैठते हैं, चाय पीते हैं साथ में, फिर कर लेंगे बात। ये बड़ी प्यार से कह करने वाली बात है, तंज और मिजा वाली बात नहीं होती कि सास नौक करे कि बेटा मिलना, ना ना ना, नहीं, लेकिन देखिए अभी भी अगर बच्चे अंदर होते हैं, मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ, तो मैं कोई मेहमान आता है, मैं जरूर रूम में जाते हैं कि बेटा फलाना है, आप तरबियत कर रही है ना, बेटा फलाना है, आगे तक भी ये तरबियत रहेगी। जैसे हमें शोबिज की लड़की थी, मुझे हर मैं अपने ननिहाल ददियाल की शादी में जाना जरूरी था, अम्मी और पापा से बकायदा स्ट्रिक्ट ये मैं नहीं सुनूं कि मैं नहीं जा सकती, मेरे आपके मामू के बेटे की शादी है, आपके कजन, अल्लाह मी मेरे जाने से शादी रुकेगी नहीं रुके, हाँ रुके, आपने जाना, ये तरबियत थी। आज मैं हर अपना मैके का रिश्ता हो चाहे ससुराल का रिश्ता हो, अदनान दूर बैठे, हर जगह मैं पहुंचती हूँ, क्योंकि आदत डाली मेरे माँ बाप ने कि ये रिश्ते इसी तरह ही निभेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि ये चीजें सास के समझाने से बेहतर होता है कि शौहर समझाए, क्योंकि शौहर की बात को कान भी धरती हैं, और शौहर एक अच्छे माहौल में एक अच्छे तरीके से समझाता है,
वो बड़ा काउंट करता है। बिल्कुल। और शौहर की तरबियत होती है, सासों की तरबियत पे इतना कान नहीं धरा जाता, बल्कि उसको बाज़ औक़ात इग्नोर भी कर दिया जाता है। लेकिन शौहर के साथ क्योंकि आपका टाइम ज्यादा गुजरता है और उन लम्हात में आप उसको समझा सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। ये नहीं है कि आप नाराज हो या गुस्सा हो, प्यार मोहब्बत से समझाएंगे तो बात समझ में, और उसे बताएं कि मेरे घर में ये सिस्टम है, मेरे यहाँ इस तरह होता है, मेरे यहाँ थोड़ा सा लड़कों को भी होना चाहिए, होना चाहिए हस्बैंड भी कि उसकी उसके रिश्तेदार आए हैं या वहाँ जा रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई ये मेरे घर वालों के साथ करती है तो उतना नहीं तो मैं थोड़ा तो करूं। थोड़ी सी सिंपल ये मैंने वैसे जानना चाहूंगी नबीहा से भी, लेकिन कॉलर मेरे साथ है क्योंकि यहाँ पे ना पंजाबी की टर्म है डाडी के, बड़ी जी बड़ी डाडी किस्म की सास थी, लेकिन एक तरफ अगर डाडी किस्म की साथ आ जाए ना तो सामने अथरी किस्म की नू भी आ जाती है, यानी कि अथरी किस्म की बहू भी आ जाती है। फिर लड़के के किरदार में बात करूंगी नबीस, लेकिन कॉलर मेरे साथ अभी सारा हसन। अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से कॉलर हैं। वालेकुम अस्सलाम जी सारा। एक तो मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आप लोग जिस तरह से बात करते हैं वो आप लोगों की जो अप्रोच होती है ना वो बहुत रियल होती है। अच्छा, इसी हवाले से जो अभी बात हो रही थी कि बहुएं कमरा बंद करके बैठ जाती हैं, तो मैं एक छोटी सी अपनी गुजारिश पेश करना चाहूंगी कि जब बहुएं कमरा खोल के निकलती है तो संभाव उनको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जो उनके लिए तकलीफ से होता है। देखिए, नए घर में नई लड़की आई है, उसको बहुत सारी चीजें तौर तरीके आपके नहीं मालूम, वो बाहर निकले उसको तंज की निगाहों से देखा जाता है, उस पर तंज बरसाया जाता है, तुम बाहर निकलोगी तो कुछ बताएंगे ना तुम्हें, तुम कुछ करोगी तो पता चलेगा ना तुम्हें, तो जब ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है ना तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हो, सोचते हैं शायद कमरा बंद करके बैठना एक सेफ साइड हो सकता है शादी को चलाने के लिए। तो ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट मैं आपके पेश नजर रखना चाहूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, ये नबीहा ये बताए ना जरा, ये डाडी सास और जो अथरी बहू के दरमियान जो बेटे का किरदार है वो कितना इंपॉर्टेंट है कि वो घर का माहौल, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारे घरों में जो फाइनल डिसीजन होता है वो मर्द का ही होता है, तो उसको कैसे डील करना चाहिए? अच्छा देखिए, मर्द ही की जिम्मेदारी है क्योंकि उसने अपनी बीवी की भी इज्जत करवानी है, अपनी माँ की भी इज्जत रखनी है, और माँ की जिम्मेदारी देखिए, माँ ने अपने बच्चे को पाला है, अपनी पूरी जवानी उसके लिए वक्फ की है, एक औरत की जो जवानी है उसका जो हुस्न है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है, उस हुस्न को बरकरार रखने के लिए ख्वातीन बहुत मेहनत करती हैं। लेकिन जहाँ उनकी औलाद की बात आती है ना, कि जहाँ वो उनकी औलाद आ जाती है वहाँ पे वो अपना हुस्न भी जो है वो ख़त्म कर देती हैं सिर्फ औलाद की परवरिश के लिए, तो माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और माँ का हक भी है। अगर माँ जो है वो शादी के बाद जो है वो बेटे का रास्ता ही देखती रहे कि बेटा कभी आएगा मेरे पास बैठेगा मुझसे कोई हालचाल पूछेगा, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मुकाम होता है उस औरत के लिए जो माँ है। अगर देखें बहुएं घर में आती हैं, आप दरवाज़ा बंद करें, इससे दरवाज़ा बंद करने या खोलने का कॉन्सेप्ट नहीं है, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि हर वक्त जो दरवाज़ा बंद रहता है उससे आपके घर के जो दूसरे लोग हैं वो इरीटेट होते हैं, आपके कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो आप ज़ुबान से कहते हैं, कुछ आपके बिहेवियर्स होते हैं जो आप एक्ट करते हैं, और ये दोनों तरह के बिहेवियर्स जो हैं ये दूसरों की ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। जब तक आपका बिहेवियर पॉजिटिव नहीं होगा तब तक दूसरों का भी बिहेवियर आपके साथ जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं और दूसरा आपके साथ नेगेटिव है तो ये उसकी तरबियत है, आप इस चीज़ को जो है वो छोड़ दें उसकी ज़ात के ऊपर। लेकिन अगर आपकी तरबियत है तो कम से कम आपको इतना एहसास होना चाहिए कि आपके घर में जो मेहमान आए हैं या आपके घर में अगर आपकी बीमार कोई सास या ससुर मौजूद हैं या कोई बड़ा मौजूद है तो उसकी देखभाल करना जो है वो उस बहू की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये इस्लाम नहीं कह रहा कि आपने जो है वो इनको ज़िम्मेदारी लेनी है, लेकिन सूरत हाल ये कि अखलाकियात का भी तो कोई तकाजा है कि अगर आप अपनी आंखों से किसी को तकलीफ़ में देख रहे हैं तो इंसानियत भी तो कोई चीज़ है, आप वहाँ इंसानियत के नाते भी किसी की मदद कर सकते हैं। तो अपने सास ससुर की अगर आप माँ बाप की तरह इज़्ज़त करेंगी तो आप घर बहुत आसानी से बसा सकती हैं, और अगर आप इस बात पर जो है वो मुअम्मा बना लें और आपका शौहर आपको ये समझाने में नाकाम हो जाए और वो कहे ठीक है तुम जैसे कंफर्टेबल हो, तुम्हें जैसे ठीक लगता है। ये जो आपने सर दर्द की बात की है ना, मेरे पास ऐसे पता नहीं 101 केस हैं जिसमें ये सर दर्द का मसला है कि जी हमें तो सर दर्द लग जाती है किसी के रवैये से, किसी के बोलने से, इवन देखने से भी, तो हम तो कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करें? ये सर दर्द ना सारी ज़िंदगी साथ चलेगा क्योंकि वो ख़वातीन की तरबियत नहीं है, उन्हें सिर्फ यही तरबियत है कि जैसे ही शौहर की आपने जो है वो अटेंशन लेनी है, आप अटेंशन सीकर हैं तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। बहुत मेजॉरिटी इस तरह करती हैं, सिर्फ शौहर की तवज्जो लेने के लिए जो है वो सर में दर्द होता है कि मैं बीमार रहूँगी तो मुझे काम नहीं कहा जाएगा, मुझे कोई जो है वो और मामलात नहीं होंगे मेरे साथ। बहुत कम ऐसी ख़वातीन होती हैं जो बेचारी काम करने वाली होती हैं ना, उन्हें दर्द भी हो रहा हो तो वो फील नहीं कराती,
उनको जितनी तकलीफ हो, वो कितनी अजियत का शिकार हैं, वो बताती नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है या क्या है वो। उन बेचारियों की शिकायत थी, वो कहती है मुझे एक्नॉलेज ही कर लिया करें, मैं काम भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तारीफ बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको तारीफ जो है ना वो आपको बकअप करती है, आपके अंदर एक खुशी जो है पैदा करती है। तो तारीफ मियाँ बीवी आपस में स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है, बिल्कुल आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए तारीफ करते रहा करें एक दूसरे की, जो है वो कहते हैं ना कि अच्छी बातों की तो तारीफ किया करें, और अगर कोई बुरी चीज़ हो तो आप अकेले में एक दूसरे से डिस्कस करें मियाँ बीवी, ताकि आपका जो एक बात का एक तमाशा है वो सारी सारे ज़माने में ना लगे, आपके इवन के सास ससुर को भी पता ना हो कि आप दोनों के दरमियान में क्या कन्वर्सेशन हो रही है, और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि माहौल खराब हो जाता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टेटस देख के पता चल जाता है कि भी घर में मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई चल रही है, या फिर सास बहू की आपस में लड़ाई चल रही है, तो लोगों को पहले पता चल जाता है, इससे पहले कि आप डायरेक्ट फेस टू फेस जवाब दें, आप वो सारा जवाब गुस्सा लिख देते हैं अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे।